हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ पंजीम में, बस स्टैंड में, यानी कि मैं अभी कंडोलिम से चलकर यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से साउथ गोवा। तो अभी तक कंडोलिम से जो मेरा बस फेयर लगा है, लोकल बस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तक 30 रुपीज़ मेरा यहाँ से लगा है। और देन इसके बाद कितना चार्ज लगता है पंजीम से मडगाँव का, यानी कि साउथ गोवा का, सब मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंजीम के KTC बस स्टैंड में, कादम्बा बस स्टैंड में। यहाँ से आपको एयरपोर्ट के लिए भी बस मिल जाएगी, नॉर्थ गोवा के लिए भी आपको बस मिल जाएगी, साउथ गोवा के लिए भी आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। और आपको मतलब यहाँ पे हर जगह से आपको इंटरस्टेट, जैसे कोल्हापुर सोलापुर जो भी इसके आसपास के एरिया है कर्नाटका, वहाँ के लिए भी यहाँ से आपको बस चलती है, बस मिल जाएगी। तो काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। और मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी, मित्र जो मेरे मतलब साथ ही काम करते हैं, वो भी आज ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम तो नहीं कहूँगा, पहले जा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है वहाँ का। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा, बस आप बने रहिए। तो चलिए फिर बस में बैठते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं आगे कुछ बातें। तो भाई, इस वक्त AC वाली बस मिली है हमको, और जो किराया है इसका ज़्यादा नहीं है, 35 रुपीज़ है। और हमने सोचा काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन 35 रुपीज़ है यहाँ से, तो ठीक है भाई। और मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं मेरे दो दोस्त अक्षय और रोशन, तो भाई 35 रुपीज़। और वहाँ से कंडोलिम से पंजीम पहुँचे थे 30 रुपीज़, तो यानी कि टोटल हो गया अपना 65 रुपीज़ में हम मडगाँव पहुँच जाएंगे। अब आपसे मिलते सीधा मडगाँव में, कुछ आगे बीच में देखने को होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली मडगाँव में एंटर कर चुके हैं, ये अपना मडगाँव मार्केट। तो अभी जो मडगाँव का बस स्टैंड होगा वहाँ यहाँ पे हमको छोड़ देगा। तो फाइनली भाई मडगाँव बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं, और मतलब साउथ गोवा पहुँच चुके हैं। तो भाई थोड़ा सा तो अलग है साउथ गोवा, और बाकी कितना मुझे अलग दिखेगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो रहेगा, ज़्यादा तो हूँ नहीं मैं, आधे दिन तक हूँ, और आधे दिन में जितना भी एक्सपीरियंस मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कोल्हा बीच, और कोल्हा बीच के लिए बस में जाएंगे कोल्हा बीच। और भी जगह यहाँ पे घूमने की है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए जो नज़दीक वाला बीच है आज वही कवर करते हैं, कोल्हा बीच जाते हैं। और धूप है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो ठीक है अभी अपना कोल्हा बीच चलते हैं बस में, और देखते हैं कितना किराया यहाँ मडगाँव बस स्टैंड से कोल्हा बीच का, वही मैं आपको बताऊँगा। लोकल बस ये लेंगे हम कोल्हा बीच के लिए, सेम ऐसी है, लेडीज़। तो बस अभी तो फिलहाल खाली है, आगे से भरेगी तो अलग बात है। हाँ, नॉर्थ गोवा से बस की कंडीशन यहाँ पे अच्छी है, क्या पता इसी बस की कंडीशन अच्छी हो जिसमें हम बैठे हैं, लेकिन जो भी है मतलब वही बस की कंडीशन यहाँ पे काफ़ी। यहाँ का हमें को पड़ा मडगाँव जो था अपना बस टैक्सी स्टैंड, वहाँ से हमको यहाँ का किराया पड़ा है 30 रुपये। तो अभी तक टोटल अपने हो चुके हैं 30 कंडोलिम से पंजीम तक के, और उसके बाद 35 रुपये, तो 65 और 65 95 रुपीज़ अभी तक हम बस में पूरे खर्च कर चुके हैं। हालांकि थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था उसका मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन 95 रुपीज़ यहाँ तक पहुँचने के हमने अभी तक खर्च कर चुके हैं। तो एंट्री देखो, आपकी एंट्री रखते हैं, और जगह से भी, इधर से भी एंट्री है, उधर से भी एंट्री है। और कोल्हा बीच की जो बात है, वाइट सैंड है यहाँ, जो रेत है यहाँ की वो काफ़ी सफ़ेद है, वाइट सैंड बीच भी इसको कहते हैं। देखो भाई, अभी बीच से जाने से पहले ही ये पानी, कहाँ से पानी आ रहा समझ में बात नहीं आ रहा, ये समुंदर का पानी है कहाँ का पानी है, जो भी है मीठा पानी समझ, लेकिन अभी बीच है कोल्हा बीच है अपना उधर, ठीक है। और अपने भाई लोग हैं इधर, हाँ भाई लोग
भाई लोग अभी तक आप लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कैसा लगा मतलब आपको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, मतलब क्या डिफरेंस कुछ लगा कि ऐसे? थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो कैसे लगा तेरे को, मतलब थोड़ा अलग बहुत चेंज है, कैसे लगा? नहीं, थोड़ा अलग लग रहा है, इधर का बीच और वो बीच में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, और ये पेड़ अलग लग रहा है, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है इधर? हाँ, इधर तो पेड़ पौधे ज्यादा है, ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, वो पब्लिक वगैरह नहीं। मौसम भी थोड़ा ठंडा है ना? हाँ, मौसम भी थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्मी है वहाँ पे। तो भाई अब मैं आपको कोल्हा बीच के दर्शन कराता हूँ। देखो माहौल पूरा अलग है भाई, बिल्कुल पूरा माहौल, मतलब मज़े ही आ गए। देखो पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक है और शांति ही शांति, ठीक है। बोट वगैरह है और टूरिस्ट है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाकी इधर अपना वाटर स्पोर्ट हो रहा है जैसा होता ही है। और बाकी और बीच में क्या होता है, समुंदर था एकदम रेत है यहाँ पे, उधर आपका समुंदर है और उसके बाद भी इतना ये ग्राउंड जैसा स्पेस देख रहा पूरा, इतना कितना एक फुटबॉल का 3 ग्राउंड बन जाएंगे लंबाई में, फुटबॉल के यहाँ पे 3 ग्राउंड बन सकते हैं, अलग ही लेवल है। और धूप का कॉम्बिनेशन मतलब काफ़ी अच्छा है यार। टोटल मिला के नॉर्थ से थोड़ा सा बोर ज़रूर हो गए थे और उसके बाद यहाँ आने के बाद, तो ये अपना कोल्हा बीच है भाई, देख लो इसको। और यहाँ आओ साउथ गोवा में आओगे तो उसको मिस मत करना, बहुत सारे बीच है साउथ गोवा में, लेकिन अभी ऐसा है कि अपने को डायरेक्ट यहाँ बस आ गई तो हम इसमें ही आ गए। और क्योंकि बेनेलियम एक बीच है तो वहाँ पे पूरा बस नहीं जाता वहाँ तक, तो बस यही है। तो भाई मछियाँ तो ना आपको यहाँ पे ना कौड़ियों के भाव ऐसी मिल जाएंगी, मतलब ये छोटी छोटी मछली तो ऐसी आपको बीच में इतनी सारी पड़ी हुई मिल जाएंगी ना, मतलब छोटी मच्छी तो जब वहाँ से जाल से मच्छी पकड़ के लाते हैं ना, इन मच्छियों को तो ऐसे यहाँ बीच में ही छोड़ जाते हैं, ऐसे फेंक के जाते हैं मतलब। हालांकि भी सड़ चुकी है लेकिन फिर भी देखो यार कितनी मच्छियाँ भाई, ऐसे छोड़ के चले जाएँ मच्छी मच्छी भाई। ये इधर यहाँ पे पैरासेलिंग है और जो वाटर स्पोर्ट होती है ना उनमें से जो एक्टिविटी होती है वो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल बगल से हो रहा है। और यहाँ पे बीच से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी और बीचों में तो वहाँ अंदर ले जाके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने करीब है ना अपना, वाह। और मैं इसके अभी प्राइस पूछता हूँ, ठीक है। देखो चले गए ना, कितना बढ़िया लग रहा है। ओ भाई कितने नज़दीक है, देखो वाह। अभी यहाँ से भाई है वो एक बंदा आपका है ना, उसमें 4-5 वीडियो डाल दिए बाकी। अच्छा, तो ठीक है भाई, ये अपना आराम से आप लेट जाओ यहाँ पे। और सही है, पूरा छाता छूता लगाया भाई ने बिल्कुल, बैठ है ना, और मजे लो। अब यहाँ पे तो आना बनता है, अंग्रेज लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलो भाई थैंक यू। ओके, तो भाई अब करते हैं ब्लॉक का एंड। वैसे तो मन नहीं कर रहा ब्लॉक का एंड करने का, लेकिन अपने पास है टाइम कम, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को पहुँचना है नॉर्थ गोवा बाई बस के थ्रू, और टाइम में पहुँचना है क्योंकि उसके बाद रात हो जाएगी तो फिर बस नहीं चलती और हमको पड़ जाएगा, मतलब हमारा जो बजट है वो हिल जाएगा। तो फिर साउथ गोवा कभी और आएंगे, मतलब आना है साउथ गोवा, अभी तो अभी साउथ गोवा की सीरीज़ चलानी है। नॉर्थ गोवा काफ़ी घूम लिए, बीच बीच में नॉर्थ गोवा भी घूमते रहेंगे, लेकिन साउथ गोवा अच्छे से घूमना है। तो बस यही है, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल में बने रहिए भैया, ठीक है। आपको गोवा से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि मैं 1 साल तक अभी यहाँ गोवा में हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए बाय।